कैमरा फैमरा बचाना अपना, वो कहीं भी मार सकती है, वो देखेंगे नहीं। अच्छा, तो वो भी आया राधा रानी की। ज्यादा जोर से मारती है, बहुत जोर से। अब भाग जाएगा आगे, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ उनके सामने से। हम जागा रहे हैं, इस्कॉन ना। वृंदावन एंड वृंदावन आए और वाइब नहीं ली प्योर, राधे राधे वाली वाइब नहीं ली, तो फिर क्या फायदा वृंदावन से। रॉल्सन, दैट्स अ न्यू ब्रांड, रॉल्सन सनग्लासेस। सवा चार बजे गैस, थोड़ा सा कट गया हमारा, पीछे भैया हैं, उन्होंने बोला है कि 4 बजे खुलेगा। मिलके बंदरों का वो डर है, बंदर चश्मा खींच लेते हैं, चश्मा उतार दो, कैमरा वैमरा पकड़ के रखो, कसके कसके पकड़ा होगा ना, तो मैंने ले जाएंगे दोनों हाथों से। वही रोड है जहाँ से कल हम आए हैं, और ये रोड कल कुछ ऐसी लग रही थी, और आज देखो कैसी दिख रही है। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, अब जब भी आए अपने कुछ सामान का सख्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका फोन और वॉलेट, दूसरी चीज चप्पल्स जिनके बिना मैं कल से घूम रहा हूँ, और तीसरी चीज सबसे जरूरी चीज आपके चश्मे। पता नहीं क्यों यहाँ के बंदरों को यार कुछ अजीब सी ऑब्सेशन है, या फेटिश कह लें उसको, वो जो भी बंदा देखते हैं चश्मों के साथ उन पर अटैक करते हैं, चश्मा छीन लेते हैं। किसी तरह से हम एक चश्मा वापस रिट्रीव कर पाए, एक चश्मा नहीं आया वापस, तो बस कुछ इसी तरह ही उनका चश्मा भी गायब हो गया था जो आप अभी देखने वाले हैं। टीवी में कहीं पे आऊंगा नहीं आऊंगा, यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे कौन सा चैनल है बता देना। गाय के माँ भी गाय, शुद्ध गाय के माँ भी। अच्छा था ना, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। ये देखने जाओगे तो कैमरा फैमरा बचाना अपना, वो कहीं भी मार सकती है, वो देखेंगी नहीं। अच्छा, हमारा क्या नुकसान हो रहा है वो नहीं देखेंगी। मारते हैं वो, बहुत मारती है वो। क्यों मारते हैं? मारती है, सगुन है वो तो यहाँ का, तो वो भी आया राधा रानी की। तो अगर हम जाएंगे तो हमको मारेंगे और क्या, पर ये फोन और ये कैमरा बचा कर। सूरज घाट, सूरज घाट में 6 बजे लटमार होली हुएगी आज, और हम जा रहे हैं। हाँ भैया, लटमार हो रही है, फिर तो जा रहे हैं। ज्यादा जोर से मारती है, बहुत जोर से। अपन लग जाएगा आगे, बच भी सकते हैं। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ।
भग जाओ उनके सामने से। ठीक है, राधे राधे। हम चल रहे थे, चलते थे, रोका है भैया वीडियो बनानी है आपको, हम लेके जाएंगे सूरज घाट में। तो अब डंडे खाने तो भाई बताओ फिर। चलते हैं सूरज घाट। एक काम करेंगे, हम सनसेट देखने जाना है हमने यमुना घाट, और वहाँ हमने बोट लेनी है, तो बोट लेके हम सूरज घाट सीधा चले जाएंगे। क्या बोलते हैं? अगर ऐसा कुछ होता होगा तो होता है भाई, उसने कहा था। दूसरी बार चश्मा है क्या? दो फ्रूटी, मैं आपको पैसे देता हूँ, पैसे दे दो। ऊपर आओ, ऊपर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, मजा ये ले। ऋषि रबर खा गया बीच वाले। Well done. Very good, thanks. I owe you one. Hadi. Radhe radhe. छत खुलती है, इसको खोल दो, ओपन कर दो, खोल दो इसको। आरती होगी यमुना जी पूरे साल 12 महीने पर इतने लोग होते हैं, तो यहाँ पे घाई भी चलाते हैं हर रोज यहाँ पे रात शाम को। यमुना है ना, यमुना है यमराज की बहन है, कृष्ण की पटानी है, और ये सूर्य देव की पुत्री है, इसी को नाम नौका व्यास है। इसको दीप दान करा जाता है, दीपक इसको होता है, यमुना आरती। आप लोग ले जाएंगे तो यमुना जी का दीपक जलाएंगे, तो यमुना जी को स्वागत बोला जाता है। देखो भैया, हमें लठमार होली के बारे में पता तो था, सुना भी था, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा भी था, पर हमें नहीं पता था कि हमारी होली एट वृंदावन की बकेट लिस्ट में लठमार होली के आगे भी एक छोटा सा टिक लगने वाला है। भाई मारेंगे यार ये। कैमरे में डंडा वंडा लग गया ना, टूट जाएगा। जोर से मारते हैं, साइड पे जाता है यार मैं, कैमरा नहीं जोड़ दे कोई। हमने लठमार होली भी खेल ली।
मैच देख रहे हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही शंख की गूंज के साथ कृष्ण जी के दरवाजे खुलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि कृष्ण जी बस हमारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो मान लिया कि वो होली का त्यौहार था जिसकी वजह से बांके बिहारी मंदिर में हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देखने को मिली, पर बिना किसी त्यौहार के ये एनर्जी जो हमें यहाँ देखने को मिली है शायद ही मैं इस वीडियो में बयां कर पाऊँ। ये तो कुछ अलग ही था, सबसे अलग। मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस जगह के बारे में सोचकर। फिलहाल ये कहानी तो होती है इधर ख़त्म। अब हम आपको मिलेंगे सीधा जयपुर में एक नई कहानी के साथ। ये नहीं करना चाहिए था ना।